नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी थाना प्रभारियों के साथ अपने कार्यालय कक्ष में की मासिक अपराध समीक्षा बैठक। सोमवार को अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में मधुपुर अनुमंडल के करों, मार्गोमुंडा, बुढ़ई, पाथरौल महिला थाना व मधुपुर थाना इंस्पेक्टर के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की। इस मौके पर अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक वशिष्ठ नारायण सिंह ने सभी थाना प्रभारी से विगत माह विभिन्न घटनाओं व लंबित कांडों का बारी बारी से समीक्षा की और लंबित कांडों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिए। इस दौरान श्री सिंह ने अपराध नियंत्रण से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में शराब और नारकोटिक के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी थाना प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार नहीं चलना चाहिए, इसको हमेशा ख्याल रखें। आज के इस अपराध नियंत्रण गोष्ठी के दौरान उन्होंने लंबित कांडों को समीक्षा के क्रम में पुराने केस में फरार चल रहे वारंटी को छापेमारी कर गिरफ्तार करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने सड़क सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए निरंतर वाहन जांच एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त करने का भी निर्देश दिया। पुराने मामले को जल्द से जल्द निपटाया तथा थाने में लंबित पड़े मामलों को अविलंब निष्पादन करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा, विगत माह थाने में जो भी आपराधिक मामला घटित हुआ है, जैसे चोरी की घटना, गृहभेदन की घटना में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है, उस पर चर्चा की गई। मौके पर मधुपुर सर्कल इंस्पेक्टर सुनील टोपनो, मधुपुर इंस्पेक्टर मनोज कुमार मल्लिक, बुढ़ई थाना प्रभारी जैनुल अबेदीन, पाथरौल थाना प्रभारी असीम टोपनो, करो थाना प्रभारी राजेश टुडू, मार्गोमुंडा के थाना प्रभारी कुददीक खजूर, महिला थाना प्रभारी एडबीना रूबी मिंच मौजूद थी। घटित घटनाओं के संबंध में बारी बारी से चर्चा की गई और साथ ही जो है आने वाले माह में को टारगेट लिया गया है कि जो कांड उद्भेदित नहीं हुई है, जिस घटना में अभी तक पता नहीं चला है, उसको यथाशीघ्र निष्पादन करें। साथ ही वर्ष का अंतिम माह है और अंतिम माह में साल भर में हम लोगों ने किस किस कांड में क्या क्या किया है, की गई है, उसकी भी विस्तृत रूप से समीक्षा की जा रही है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 25 वर्षीय युवक व 45 वर्षीय महिला गंभीर रूप से हुई जख्मी। मधुपुर थाना क्षेत्र के पटवाबाद के समीप मुख्य सड़क पर दुर्घटना में मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के चेतनारी गांव निवासी 25 वर्षीय सलाउद्दीन अंसारी व 45 वर्षीय नूर जहां घायल हो गईं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मोहम्मद सलाउद्दीन अपनी मामी के साथ चेतनारी गांव से बाइक पर सवार होकर अपनी बहन के घर पर पटवाबाद जा रहे थे। अपने बहन के घर से कुछ ही दूरी पर विपरीत दिशा से आ रही एक बोलेरो वाहन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों जख्मी हो गए। आसपास के लोगों ने दोनों को 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए देवघर भेज दिया गया। बोलेरो वाहन फरार बताया जाता है। उधर अस्पताल उपाधीक्षक मोहम्मद शाहिद ने बताया कि दोनों का पैर टूट गया है और काफ़ी चोटें भी आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायल को 108 एम्बुलेंस से बेहतर इलाज हेतु देवघर भेज दिया गया। तो किनके यहाँ जा रहे थे? पटवाबाद बहन घर, बहन बहन के घर। हाँ। तो वो कौन है जिसको ज्यादा चोट लगी है? चोट लगा उसे भगना। अच्छा, भगना। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक। जा हेलो बहन घर। अच्छा हाँ, तो पटवाबाद में क्या चीज से जा रहा था? अपना बाइक से। अच्छा, अकेले था क्या? नहीं, इसका मामी भी था। अच्छा अच्छा, उसको भी चोट लगा। उसको भी चोट लगा। मामी कहाँ है? अंदर में। क्या नाम है इसका? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन, वहाँ कौन रहा था पटवाबाद में इसका? जा रहे थे अपना बहन के यहाँ। अच्छा अच्छा, दो पेशेंट एक्सीडेंट और आया है, एक मोहम्मद सलाउद्दीन है, एक नूर जहाँ खातून है। दोनों चेतनारी कराने वाला है, गंभीर स्थिति में है। इनका एक्सीडेंट जैसे जानकारी मिली है, ये पटवाबाद में हुआ है। इसे जो है प्राइमरी इलाज करके हायर सेंटर पर रेफर कर दिया गया है। नूरजहां का क्या हालत है? हालत ठीक है, लेकिन वही है कि इनका दाहिना पैर
जो है पूरा कटा हुआ है एकदम नूरजहाँ। हाँ दोनों को रेफर कर रहे हैं। हाँ और जो सलाउद्दीन है उसका दायां घुटना पूरा टूट गया है और पूरा लेसरेटेड वुंड है। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा बाबा साहब की 64वीं पुण्यतिथि मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शाखा मधुपुर के तत्वाधान में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन संगठनों द्वारा संविधान निर्माता भारत रत्न बोधिस्तु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 64वां पुण्यतिथि दिवस पर शाखा मधुपुर के SC/ST कार्यालय में बाबा साहब जी का पुण्यतिथि मनाया गया। मधुपुर शाखा अध्यक्ष श्याम सुंदर पासवान, छोटू बाजपुर, प्रमोद जी, मुकेश, आर.एन. दास, SS प्रसाद आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वयंसेवी संस्था प्रज्ञा फाउंडेशन के द्वारा थाना मोड़ में नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वयंसेवी संस्था प्रज्ञा फाउंडेशन की टीम द्वारा थाना मोड़ में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नाटक एवं गीत के माध्यम से 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवक युवतियों को अपने मतदान केंद्र में जाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम सुधार कराने आदि की जानकारी दी गई। टीम के अरुण शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 का कार्य चल रहा है। मतदाता पुनरीक्षण की सफलता को लेकर उनकी टीम द्वारा गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक व गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मौके पर संस्था के परमानंद सिंह, जुगनू खातून, रंजीत चौधरी, मनोहर कुमार, अविनाश कुमार आदि लोग मौजूद थे। चांदमारी व भेड़वा स्थित अंबेडकर चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई उनकी पुण्यतिथि। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मधुपुर विधानसभा क्षेत्र चांदमारी अंबेडकर चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा पर एवं भेड़वा नवाड़ी अंबेडकर चौक पर माल्यार्पण किया गया। उन्होंने कहा महान समाज सुधारक प्रति विधिवेता वंचितों व शोषितों हेतु संविधान बाबा साहब चेतना से दीप्त आपका जीवन हम सभी के लिए महान प्रेरणा है। उपस्थित लोग पुण्यतिथि मनाए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और हम सभी से ये अनुरोध करते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर हम लोग चलें तो इस देश का, इस समाज का भलाई होगा। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आज 64वां पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे यहाँ सभी लोग जो है दलित समुदाय और अदर समुदाय के लोग शामिल होकर उनका पुण्यतिथि जो है बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। हमारे यहाँ का मंत्री के बड़े लड़का जो है हफीज जी उपस्थित होकर माला अर्पण किए और दलितों का जो है हौसला को बुलंद करने के लिए, बरकरार रखने के लिए कहा गया। इसके लिए हम सभी दलित परिवार के लोग इनका तहे दिल से इनको हम लोग सहयोग करने के लिए हर कदम आगे हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने को लेकर कांग्रेस नेत्री सबाना खातून लगातार गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का कर रही है दौरा। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने को लेकर कांग्रेस नेत्री पूर्व सांसद कांग्रेस के कद्दावर नेता फुरकान अंसारी की बड़ी पुत्री सबाना खातून लगातार गोड्डा लोकसभा इलाके का दौरा कर
कांग्रेस में नई रूह डालने और पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। सबाना का एक लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रही हैं और इसका हल भी निकाल रही हैं। इसको लेकर पूरे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में एक बेहतर समाज सेवी के साथ एक बेहतर पार्टी के ईमानदार सिपाही के रूप में शुमार किए जा रहे हैं। सबाना खातून की ऐसे भी इलाकों में लोगों में काफ़ी इज्जत है, साथ ही उनकी कार्यशैली से लोग काफ़ी प्रभावित भी हो रहे हैं। यही वजह है कि सबाना खातून के नेतृत्व में आज दर्जनों नौजवान कांग्रेस में शामिल हुए, जिसे सबाना ने कांग्रेस का पट्टा पहनाकर सभी का स्वागत किया। शामिल हुए नौजवानों का कहना है कि दीदी के साथ मिलकर ईमानदारी और लगन के साथ पार्टी को नए रूप देने में मेहनत करूंगा और फिर गोड्डा लोकसभा से कांग्रेस के कद्दावर विकासशील नेता फुरकान अंसारी को सांसद के रूप में देखूंगा। इसको लेकर दीदी के साथ लगातार क्षेत्रों में एक नई रूपरेखा तैयार कर पार्टी को मजबूती देने में अहम रोल अदा करूंगा। सबाना खातून के नेतृत्व में जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए वह इस तरह हैं: पंकज सिंह कांग्रेस पंडित, रंजीत पंडित, जितेंद्र पंडित, सुधीर सिंह सुमन, मनोज चौधरी, महेंद्र पंडित, नीतीश कुमार, निरंजन कुमार, दीपक नापित, विनोद दास, कुंदन दास, धर्मवीर नापित, गणेश नापित, अजय कुमार दास, चंद्रदेव दास, रंजीत। कुल 52 लोगों ने सामूहिक रूप से कांग्रेस में शामिल हुए सभी भाजपा के लिए काम करते थे, जिन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। करौ प्रखंड के करौ ग्राम में बंधन बैंक का हुआ उद्घाटन। अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत करौ प्रखंड के ऐतिहासिक गांव करौ ग्राम के स्थानीय बाबा कर्णेश्वर धाम के समीप बंधन बैंक का उद्घाटन ग्राम पंचायत करौ के मुखिया सतरूपा राय ने फीता काटकर सत दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बंधन बैंक के एरिया मैनेजर सुदीप्तो पांडे ने अपने संबोधन में बंधन बैंक के गांव-गांव में इसकी महत्व, उपयोगिता और आवश्यकता पर सविस्तार से प्रकाश डाला। जामताड़ा के बैंक मैनेजर रविशंकर ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को व्यवसाय के लिए अब बड़े बैंकों का लोन के चक्कर काटना नहीं पड़ेगा, बंधन बैंक से सरलता के साथ ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा, महिलाएँ समूह तैयार कर सही ढंग से बैंक नियम कानूनों का पालन करें। सतरूपा राय ने कहा, महिलाओं का आर्थिक विकास आज के समय में बहुत ही जरूरी है, तभी गांव स्वनिर्भर और आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ सकता है। मौके पर सरदेंदु राय, अरदेंदु राय, राहुल सिंह, पलटन राय, विजय भंडारी सहित कई समूह के महिलाएं उपस्थित थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।